नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अवैध मादक पदार्थ और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं द्वारकापुरी पुलिस ने दो मां बेटी को जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। महिला का पूर्व में भी दक्ष के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। पकड़ी गई दोनों माँ बेटी से 5 लीटर जहरीली शराब बरामद की गई है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ कुंदन नगर क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र की रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी जहरीली शराब बेच रही हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर जब इन्हें पकड़ा तो उनके पास से 5 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। मौके से ही पुलिस ने दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार किया। वहीं इनके पास से एक एक्टिवा वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसका उपयोग ये शराब बेचने में करती थी। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिला पर पूर्व में ड्रग्स के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। दो महिला माँ बेटी गिरफ्तार की गई हैं। ये कुंदन नगर ग्राउंड में जहरीली शराब बेचने की सूचना मिली थी, जिस पर तस्दीक करके इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 5 लीटर जहरीली शराब मिली और एक एक्टिवा गाड़ी जिससे ये बेचने के लिए निकली थी। महिला जो उसकी माँ है पिंकी, पिता पति बाबूलाल कुमायू, इसका क्राइम ब्रांच में एक अपराध है ड्रग्स वाला NDPS का, पहले भी इसमें ये आरोपी रही है। और इसकी लड़की जो नंदनी है उम्र 22 साल, इसका पहला अपराध है। ये दोनों अवैध ड्रग्स गतिविधि में संलिप्त रहती हैं। सतत इन पर नज़र रखी जा रही थी और कल इन्हें जहरीली शराब केस में पकड़ा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।